हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड सितारों पर आरोप लगाने के बाद बीजेपी ने लव जिहाद को लेकर भी बॉलीवुड को घेरा है। बीजेपी के एक सांसद ने कहा है कि बॉलीवुड की वजह से ही लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। क्या बॉलीवुड देता है लव जिहाद को बढ़ावा? पिछले कुछ महीनों से यूपी में लव जिहाद को लेकर मामला गरमाया हुआ है। कानपुर, मेरठ और आजमगढ़ जैसे शहरों से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। हिंदू संगठन लव जिहाद को लेकर सड़कों पर आंदोलन भी कर रहे हैं। यूपी पुलिस की एसआईटी लव जिहाद की जांच में लगी है और अब कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने लव जिहाद को नया एंगल दे दिया है। सुब्रत पाठक का आरोप है कि बॉलीवुड से लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है। कि बॉलीवुड में लव जिहाद को किसी न किसी प्रकार के साजिश, हमने क्या कहा, प्रलोभन से, साजिश से, तमाम प्रकार के किसी प्रकार से इनको अपने वश में कर लेना, उनके साथ में शादी कर लेना, तो उससे फिर एक मैसेज नीचे समाज में जाता है और फिर नीचे जो लव जिहाद को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इस प्रकार के कट्टरपंथी लोग जो सोची समझी इस रणनीति के तहत जो लव जिहाद का एक मिशन उनका जो चल रहा है देश भर में, तो उनको कहीं ना कहीं इसमें बढ़ावा मिलता है। लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद योगी सरकार धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बदलने पर भी विचार कर रही है। मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का सुझाव है कि बिना माता पिता की मर्जी के दूसरे धर्म के लड़के से शादी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। किसी धर्म का लड़का हो, किसी धर्म की लड़की हो, माँ बाप का होना जरूरी है। माता पिता में से एक कोई हो, माँ हो या पिता हो, एक गवाह होना चाहिए शादी। मेरठ में घटना हुई, हिंदू बनकर शादी की, फिर उसको मार दिया, तो ऐसे में तो फांसी की सजा हो। नेपोटिज्म और ड्रग्स को लेकर पहले से विवादों में घिरे बॉलीवुड पर लव जिहाद के आरोप से विवाद और बढ़ सकता है।